इन फोटोज को ध्यान से देखो, इसके अंदर दिखने वाले लोग मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, लेकिन उनके डिजाइन और ओवरऑल आर्ट स्टाइल को देखकर तुमको शायद आइडिया लगा होगा कि ये मेड फॉर किड्स है, बच्चों के लिए कोई कार्टून बनाए क्या। लेकिन इस एनिमे के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसका एग्जैक्ट अपोजिट। मैं एक अडल्ट होकर भी चीजों को बियर नहीं कर पा रहा था। शो का नाम है मेड इन अबिस, जिसमें इंसानों की दुनिया अर्थ के ऊपर ही एक दिन एक बहुत ही बड़ा होल अपीयर हो जाता है। इतना मैसिव और इतना डीप तक गया है ना वो कि तुमको मेजर करने के लिए किलोमीटर्स यूज करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट शी सेड। एक अडल्ट होल के नाम पे हंस रहा हूँ मैं, बताओ। इस जायंट होल को नाम दिया गया अबिस, जिसके अंदर काफी हजारों मीटर तक अलग अलग लेवल्स गए हैं। तुम एक इंसान जितना उसके अंदर जाओगे ना, कंडीशंस उतनी ज्यादा हार्श हो जाएंगी रहने के लिए, उतने ही डिफिकल्ट वाले मॉन्स्टर्स तुम एनकाउंटर करोगे, और ये जो अबिस नाम का होल है उसका कर्स तुम्हारे ऊपर और ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब क्योंकि इंसान एक क्यूरियस प्राणी है तो उसने इस होल के अराउंड ही पूरी सिविलाइजेशन बसा ली है। अर्थ की जो रेगुलर जमीन है वहां पे वो लोग रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम होल के अंदर डाइव भी मारते हैं। क्यों? होल के अंदर मिलने वाली चीजों की वैल्यू काफी ज्यादा है और एक एडवेंचर करने का जुनून भी होता है काफी लोगों के अंदर। लेकिन इस वाली सेटिंग के अंदर इंसानों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि सारे लोग नीचे तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन होल से ऊपर आते वक्त उनकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि लेवल 1 लेवल 2 से अगर वो लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उनको उल्टी आने लगेंगी, सर चकराएगा। कोई अगर लेवल 3, 4, 5 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो उनकी आंखों से खून निकलने लगेगा, कट्स पड़ने लगेंगे बॉडी पे अपने। और इस अबिस के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी है जिसके नीचे जाने के बाद कोई भी इंसान ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर आने की कोशिश की उसने तो वो इंसान नहीं रहेगा। और ये चीज इतनी खतरनाक है ना कि अगर तुम्हारी बॉडी ट्रेंड नहीं रही तो फिर तुम 10-15 मीटर ऊपर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते। लेकिन ऐसे में शो की जो मेन कैरेक्टर है, एक 12 साल की लड़की, उसको अपनी माँ को ढूंढने जाना है जो कि इस पिट के एकदम गहराई में है। तो निकल पड़ती है एडवेंचर पे और धीरे धीरे करके दोस्त बनाती है, अपनी टीम को एक्सपांड करती है। ये सुनने के बाद तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि कैसे ये एक टिपिकल एडवेंचर वाली स्टोरी होगी, और ये जिस टाइप का एनिमे तुम सोच रहे हो ना वो काफी हद तक उसी टाइप का एनिमे निकल के आता है। लेकिन बीच बीच में इसने कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजें भी दिखा दी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक एनिमे के अंदर, एंड आई वाज लाइक ओके, वो चीज दिखा रहे हैं वो लोग। और जो सीजन 1 के पहले 5-6 एपिसोड्स के अंदर अपने को पूरी दुनिया दिखाई है, ये क्रीचर्स दिखाएं, मॉन्स्टर्स दिखाएं, अलग अलग लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, वो देखकर अच्छा लग रहा था और एक फैसिनेशन सी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर सच बोलना हो तो एक पॉइंट पे मैं इसको ड्रॉप करने का डिसीजन सोच रहा था, क्योंकि हाँ कुछ चीजें तुम लोग डिफरेंट कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल मुझे वो रेगुलर एडवेंचर वाली ही फील आ रही थी। फिर उसके बाद सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 आता है और उसने जो भाई आंखों के सामने मेरे को दिखाया कितनी ज्यादा डार्कनेस हम लोग देख सकते हैं, उसका हिंट अपने को पहले के एपिसोड्स में भी दिया गया था। लेकिन ये एपिसोड 10 और उसके बाद जितना ज्यादा ब्रूटल, और मैं ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन उतनी ज्यादा डार्क हो जाती है ना ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या देख रहा हूँ मैं। लाइक सीरियसली सीजन 1 के लास्ट के 5-6 एपिसोड्स ने जो मेरा इंटरेस्ट खींचा है ना इसके अंदर, अंदर से काफी ज्यादा घिन भी आ रही थी और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जो दुनिया का सेटअप मैंने तुमको बताया उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है उसके कोई लिमिट नहीं है। एक बार का तुम पूरे अबिस को जाके मेजर कर लोगे, लेकिन ये इंसान का डार्कनेस कभी नहीं। तुमको अगर लग रहा होगा कि कोई एक बहुत बड़ा बिग बैड विलन है जो कि सबको तड़पा रहा है, नहीं, एटलीस्ट जो एनिमे शो है उसके अंदर तो कोई भी एक ऐसा प्योर इविल वाला कैरेक्टर नहीं है जिसको तुम हेट करो। एक बंदा है जिसको मैंने सबसे ज्यादा गालियां दी है तो वो मूवी के अंदर उसके कारनामे दिखते हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सेकंड सीजन के अंदर भी वही हाल हुआ जो पहले में दिखा था। शुरुआत के एपिसोड्स में ये टाइम लेती है चीजों को सेटअप करने के लिए, और एक बार जब सेकंड हाफ चालू हो गया तो भाई इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग, इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे सिचुएशन देखने मिल गए ना, कितनी बार मैंने एफ वाली गालियां दी होंगी। एक्चुअल में सीजन 2 के अंदर एक मोमेंट आया जब मुझे पॉज करके हेडफोन्स निकाल के थोड़ा 5 मिनट शांति से बैठना पड़ा जो चीज हुआ उसको प्रोसेस करने के लिए, और उस टाइम पे भी मैं सोच रहा था कि इसको ड्रॉप कर दूं, अब और नहीं देखा जाएगा भाई। सच में पहली बार जब ड्रॉप करने का मन बन रहा था वो इसलिए क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा क्यूट बना दिया, और दूसरी बार ड्रॉप करने का मन इसलिए हो रहा क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा ब्रूटल बना दिया। ट्विटर पे जब मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए तो तुम में से एक ने बोला कि भाई ये एक ऐसा शो है जिसको मैं दूसरी बार कभी नहीं देखूंगा, एंड आई कंप्लीटली अग्री, मैं भी इसको फिर से कभी प्ले नहीं करने वाला, बस हो गया मेरा। मजबूरी में अगर कोई चीज देखनी पड़े तो रेंट अ गर्लफ्रेंड फिर से देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नहीं, क्योंकि वो चीजें मुझे फिर से एक्सपीरियंस नहीं करनी। ओवर से इमेजिन करो तुम शो के अंदर सबसे ज्यादा डार्केस्ट शिट देख रहे हो और उस टाइम पे म्यूजिक एकदम ऑप्टिमिस्टिक और होप से भरा हुआ चल रहा है, मतलब मारेंगे भी यही, बचाएंगे भी यही। मेड इन अबिस इस एनिमे को देखने का एक्चुअल
एक्सपीरियंस अगर तुमसे शेयर करना हो ना तो वो कुछ इस तरीके से जाता है। पहले वो तुमको अच्छी तरीके से तैयार करेगा कि चलो भैया अपने को एकदम एक्साइटिंग एडवेंचर पे जाना है। उसके बाद तुमको सेटल इन होने के लिए आराम से टाइम देगा, तुम देख रहे हो एपिसोड्स निकले जा रहे हो और फिर एकदम से जो कुटाई चालू होगी तुम्हारी, जो जो कमी में ना चार लोग मिलकर एक आदमी को कूट रहे होंगे, तो नीचे गिरा हुआ इंसान होगा तुम्हारे इमोशंस। और जब इस शो का मन भर जाता है ना तुम्हारे इमोशंस को पीट पीट के नम करने के बाद, तो फिर सीजन के लास्ट एपिसोड में तुमको फिर से तैयार करेगा, फिर से वो होप ऑप्टिमिज्म देगा कि देख आगे चल के और एडवेंचर आने वाले हैं। फिर से यही कारनामा रिपीट। अब मैं जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ शायद तुम्हें से बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं, लेकिन जाके जरूर देखो क्योंकि ये एनिमे ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी स्टोरी, इसके अंदर के कैरेक्टर्स, इसका एनिमेशन, जो दुनिया दिखाई है गॉर्जियस, और उतना ही बेहतरीन इसका म्यूजिक। इसीलिए तुमको ये चीज चेकआउट करनी जरूरी है क्योंकि जो इमोशनल स्कार है वो मैं अकेला क्यों झेलूं, सब मिलकर शेयर करेंगे। और अगर तुम एक्चुअल में देखने जा रहे हो तो फिर इसका सीजन 1 और सीजन 2 नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन मेरी जैसी गलती मत करना। पहला खत्म होने के बाद मैंने फटाक से दूसरा लगा दिया था और उसके स्टार्टिंग में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सीजन 1 खत्म होने के बाद इसकी एक मूवी है जो कि देखना जरूरी है और वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। डॉन ऑफ द डीप सोल है, तुमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी डार्कनेस फुल। लोगों ने इसको थिएटर में कैसे सहा होगा मुझे नहीं पता। और ऊपर से ये मूवी कई मामलों में इस पूरे एनिमे का एक बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। एक्शन की बात ले लो काफी गजब, उसके अंदर जो विलन एंटागनिस्ट दिखाया है, कैसे डिस्क्राइब करूं मिसाले को, बक्से में बंद कर देना चाहिए। इफ यू नो यू नो एंड इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू नो, तो इसीलिए जाके इसको देखो और कैसी लगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आके बताना। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहा, मिलता हूं अगली वीडियो में, टाटा।